नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का। इस वक्त हर तरफ चुनावी जंग जोरों पर है, ऐसे में कई नेता जगह जगह पर रैलियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए इस मॉर्निंग न्यूज में जान लेते हैं कि आज दिन भर में क्या कुछ नया होने वाला है और इसके साथ ही हम ये भी जान लेते हैं कि आज के दिन क्या कुछ खास हुआ था। भाजपा आज यानी 10 नवंबर 2024 को झारखंड में अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। इसके लिए वो अपने सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रांची में एक विशाल रोड शो करेगी। इस रोड शो में करीब 4 विधानसभा क्षेत्र शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 किलोमीटर से भी लंबे रोड शो का नेतृत्व करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में कटहरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यानी 10 नवंबर को सभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि वो रामदेव जनता इंटर कॉलेज कटहरी में सभा को संबोधित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ आज यानी 10 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। आपको बता दें कि अपने रिटायरमेंट से ठीक पहले यानी आखिरी हफ्ते में उन्होंने कुछ बड़े फैसले सुनाए जिसकी खास चर्चा हो रही है। जिले में राष्ट्रीय आय और योग्यता आधारित परीक्षा का आयोजन कड़ी सुरक्षा के बीच आज यानी 10 नवंबर को होगा। आपको बता दें कि परीक्षा के लिए नगर क्षेत्र में DIS द्वारा 6 केंद्र बनाए गए हैं और इन पर 3,622 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। आज से यानी 10 नवंबर से PM इंटर्नशिप योजना का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। वही प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत युवाओं को भारत की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की स्थापना 10 नवंबर 1801 को हुई है। आपको बता दें कि इसलिए आज यानी 10 नवंबर 2024 को इटावा जनपद अपने 224वें स्थापना दिवस का उत्सव मनाएगा। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल व उत्तर प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पंडित केशरी नाथ त्रिपाठी की जयंती पर आज यानी 10 नवंबर को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। बता दें कि राजेश केसरवानी ने बताया कि शाम 4:30 से बनवा स्थित बड़े हनुमान मंदिर में भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आज यानी 10 नवंबर से राज्य में युवा महोत्सव का आयोजन होगा। बता दें कि महोत्सव का विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार है। वहीं आज CM इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। आज यानी 10 नवंबर 2024 को पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना में आवेदन की अंतिम तिथि है। वहीं 25 नवंबर 2024 से प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाएगा। आज यानी 10 नवंबर 2024 को भी दिल्ली में धुंध देखने को मिल सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक दिल्ली के लोगों को आने वाले कई दिनों तक प्रदूषण से राहत मिलने के आसार नहीं है। बीते कई दिनों से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, ऐसे में प्रदूषक तत्व हवा को जहरीला बना रहे हैं। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1885 में आज ही के दिन गॉटलिएब डैमलर ने दुनिया की पहली मोटरसाइकिल पेश की थी। साल 1871 में आज ही के दिन पत्रकार सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म हुआ था। साल 2000 में आज ही के दिन गंगा मेकांग संपर्क परियोजना का कार्य प्रारंभ हुआ था। साल 2001 में आज ही के दिन अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था। साल 2002 में आज ही के दिन ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड से पहला एशियन टेस्ट जीता था। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।